हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज और एक डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को आप लेडी जेंट्स और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने 6 फंदे के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालने हैं और प्लस एज स्टिच यहाँ पे करना है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो हमारा परफेक्ट डिजाइन बन के आएगा। आपका जितना चौड़ा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप फंदे डाल लीजिए और फिर बॉर्डर बना लीजिए। अगर आपको इस तरह का बॉर्डर बनाना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 20 फंदे डाल दिए हैं। 20 फंदे के अंदर हमारे यहाँ पर 3 डिजाइन आने वाले हैं और 2 फंदे यहाँ पे एज स्टिच हो जाएंगे और 18 फंदे के अंदर 3 डिजाइन आ जाएंगे। देखिए, इतना पैटर्न हमारा यहाँ पर बन के आएगा 20 फंदे में, इतना यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुनना। पहली सिलाई बुनेंगे, फर्स्ट फंदा उतारेंगे। ठीक है, पहला फंदा उतार दिया और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 2, धागा पीछे करेंगे। अब इस फंदे में से हम 3 फंदे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से एक बार लिया तो एक बार लपेट लेंगे, 2 फंदे बन जाएंगे, फिर से एक बार और बुन लेंगे इसी फंदे को, अब यहाँ पर 3 फंदे बन जाएंगे। ठीक है, एक फंदे के 3 फंदे बना लिए, फिर से अगले फंदे में हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, एक फंदा और ये दूसरा फंदा और ये तीसरा, 2 टाइम यहाँ पर 3 in 1 करेंगे हम। ठीक है, अब धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। देखिए, पहली सिलाई में हमने यही रिपीट करते जाना है क्योंकि 6 फंदे का डिजाइन बताया था मैंने, तो यहाँ पर ये एज स्टिच है इसको हम गिनेंगे नहीं। यहाँ पर गिनेंगे हम 2 फंदे उल्टे बुने हैं, यहाँ पर 1 2। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बुने हैं, फिर 3 in 1 किया है, एक फंदे में 3 फंदे बनाए हैं, फिर से एक फंदे में 3 फंदे बनाए हैं, फिर 2 फंदे उल्टे बुने हैं, तो कुल मिलाकर 6 फंदे हो गए। तो इसी को हमने रिपीट करते जाना है। फिर से अगला डिजाइन स्टार्ट होगा, यहाँ पर फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, तो अगर लगातार इनको गिने तो 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 2 फंदे इस डिजाइन के, 2 फंदे अगले डिजाइन के। ठीक है, अब धागा पीछे करेंगे, 3 in 1 करेंगे, 1 2 और 3, फिर से रिपीट करेंगे एक बार, एक फंदा बनाया, धागा लपेट लेंगे, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, ये देखिए 3 in 1 कर लिया। अब धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, 2 डिजाइन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा डिजाइन होगा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक बार लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए और 3 फंदे, फिर से इस फंदे में भी कर लेंगे, एक बार लिया फिर इसको लपेट लिया, फिर से एक बार बुन लेंगे। देखिए, एक फंदे के 3 फंदे, एक फंदे के 3 फंदे, 2 बार लगातार करना है। यहाँ पर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, देखिए 3 डिजाइन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब लास्ट एज फंदा है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे, ये देखिए। अब दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड है, यहाँ पर हम जो लपेटे हुए फंदे हैं उनको उतार लेना है, हमने बुनना नहीं है, बाकी के फंदे बुन लेने हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 फंदे यहां से उल्टे थे, यहां पर इनको सीधा बुन लेंगे, 1 और 2, इनको उल्टा सीधा बुन लिया है। अब धागा आगे करेंगे, धागा आगे करने के बाद हमने ये लपेटे हुए फंदे हैं, देखिए 3 फंदे इनको उतार देना है, अगले वाले भी 3 फंदे ये इनको भी उतार देना है, इनको बुनना नहीं है, बिना बुने उतार देना है। ठीक है, फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2। देखिए, एक डिजाइन के फंदे यहाँ पर हमने 6 फंदे यहाँ पर ले लिए हैं, उनमें से 4 फंदे बुन दिए हैं, 1 2 सीधे बुने और ये भी सीधे बुने, और बीच के 2 फंदे जो थे लपेटे हुए इनको हमने उतार लिया है। ठीक है, अब फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, अगले डिजाइन के फंदे हैं, 1 और 2, फिर धागा आगे करेंगे और इनको उतार देंगे। देखिए, लपेटे हुए फंदे हैं 3 फंदे, ये उतार दिए, फिर से 3 फंदे होंगे, इसको भी उतार देंगे,
ये देखिए धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक और ए दो, ये दो डिजाइन के फंदे यहां पर बुन लिए हमने। अब धागा पीछे ही है, फिर से दो फंदे सीधे बुनेंगे, अगले डिजाइन के हैं, एक और ए दो, धागा आगे करेंगे और लपेटे हुए फंदे निकालेंगे, तीन और ये तीन, ठीक है। अब धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, ये देखिए तीन डिजाइन के फंदे हमने बुन लिए हैं। अब लास्ट एड स्टिच है, इसको भी हम बुन लेंगे। डिजाइन की तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, ये देखिए धागा पीछे करेंगे। अब यहां पर हमने फंदों को ट्विस्ट करना है, देखिए एक फंदा यहां पर है, इस फंदे को हमने लेफ्ट साइड ले जाना है और जो ये तीन फंदे हैं इनको राइट साइड लाना है। तो सीधे इन तीन फंदों में डालेंगे इस तरह से और इस फंदे को गिरा देंगे ऐसे और पीछे की साइड से इसको लेफ्ट साइड लेंगे और इसको राइट साइड। फिर से हम इन तीन फंदों में देखिए ये जो तीन फंदे हैं इनमें इस तरह से सिलाई डालेंगे और इनको एक साथ बुन लेंगे, तो तीन फंदे का एक फंदा बना लेंगे यहां पर फिर से, ये देखिए इस तरह से। अब इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इसको हमने लेफ्ट ले जाना है और इसको राइट लाना है, ठीक है। अब देखिए पीछे की साइड से जाएंगे, ये देखिए पीछे की तरफ जाएंगे और इस फंदे को इस तरह से डालेंगे और इन तीन फंदों को गिराएंगे और लेफ्ट वाले सिलाई में डालेंगे और इसको राइट वाले में। अब इसको बुन लेंगे और इन तीन फंदों को भी एक साथ बैक लूप से बुन लेंगे, देखिए बैक साइड डालेंगे और इसको बुन लेंगे, ये देखिए। अब धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा, देखिए इसी तरह से रिपीट करना है हमने तीसरी सिलाई। यहां पर हमारा एच स्टिच उतारा है हमने, एक फंदा उल्टा बुना है, फिर हमने इनको ट्विस्ट किया है, ठीक है, और एक फंदा उल्टा किया है यहां पर। तो 1 2 3 4 5 6 इन छह फंदों को हमने रिपीट करते जाना है। देखिए डिजाइन दूसरा डिजाइन होगा आप शुरू, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करने के बाद सीधे इस फंदे को छोड़ के हम इसमें चले जाएंगे, तीनों फंदों में सिलाई डालेंगे, इसको हमने राइट साइड ले आएंगे और इसको इस फंदे को लेफ्ट साइड। तो अब इन तीनों फंदों को हम ऐसे लेके यहां से इस तरह से सीधे बुन लेंगे, ये देखिए इस तरह से बुन लिया। अब इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, ये देखिए। अब इन तीन फंदों को इस साइड लाना है और इस फंदे को इस साइड बैक साइड जाएंगे, इस तरह से इस फंदे में डालेंगे सिलाई, इस फंदे में डाला और इन तीन फंदों को गिरा देंगे, ये देखिए तीनों को गिरा के लेफ्ट वाले नीडल में ले लिया है। अब इसको इस फंदे को सीधा बुन लेंगे सबसे पहले, ये देखिए, और इन तीन फंदों को बैक लूप से ऐसे बुन लेंगे। अब धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा, देखिए यहां पर दो डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं, ये देखिए। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब तीसरा डिजाइन बुन रहे हैं हम, एक फंदा उल्टा सीधे इसमें चले जाएंगे, इनको उतारेंगे और इसको बैक लूप से यहां ले आएंगे, फिर से इसमें सिलाई डाल के इस तरह से धागा पीछे करना है हमने, पहले धागा पीछे होना चाहिए, धागा पीछे कर लिया है। अब देखिए इस तरह से सीधा बुन लेंगे, ये देखिए। अब फिर से इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, अब इसको यहां लाएंगे बैक साइड से, इस तरह से इनको गिरा के इसमें ले लेंगे और इसको इसमें लेके सबसे पहले इसको बुन लेंगे और फिर इन तीनों को बैक साइड से इस तरह से डाल के बुन लेंगे, ये देखिए। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा है, इसको बुन लेंगे, ये देखिए तीन डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब एच स्टिच है, इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे, ये देखिए। अब डिजाइन की लास्ट सिलाई, चौथी सिलाई, फर्स्ट फंदा उतार देंगे, अब धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे यहां पर, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ए चार,
फिर से धागा, पीछे एक फंदा सीधा। ये देखिए एक डिजाइन के फंदे बुन लिए हमने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फिर से दूसरे डिजाइन के बुनेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, चार फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये देखिए दो डिजाइन बुन लिए हैं। अब फिर से तीसरा डिजाइन बुनेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, 2 3 और 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए तीन डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। धागा आगे करेंगे, एक फंदा, ये लास्ट एड स्टिच है, इसको हम बुन लेंगे। ये देखिए एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है हमारा यहाँ पर। तो इसी तरह से फर्स्ट रो से फोर्थ रो तक रिपीट करते जाएंगे तो ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है फ्रेंड्स। ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।